हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ ये बोनलेस चिली चिकन बनाने की रेसिपी। बहुत आसानी से आप इसे घर में बना लोगे, तो मैं इसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 700 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे रनिंग वाटर में। अच्छी तरह से इसे धो लेना है। धोने के बाद इसे हम मैरिनेट करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए विनेगर, व्हाइट विनेगर, दो ढक्कन विनेगर डाल रही हूं मैं यहाँ। कॉर्नफ्लोर, ये थोड़ा ज्यादा डालेंगे 3 चम्मच, जिससे कोटिंग अच्छी आए। लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसमें काली मिर्च भी है, ये मैंने 1 चम्मच डाल दिया है। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच मिर्च, और 1 अंडा डालेंगे। और इसे अच्छे तरह से मिला के मैरिनेट करने के लिए 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। हमने जो सिरका डाला है वो सारे मसालों को चिकन के अंदर तक पहुंच जाएगा, जिससे उसका बहुत अच्छा स्वाद आएगा। इसे थोड़ा अलग तरीके से हम मैरिनेट करते हैं, क्योंकि ये बोनलेस है। दूसरा चिकन हमने अलग तरीके से किया था, इसे हमें नरम ही रखना है, बस 1 कोटिंग डालना है। तो इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। चिकन को 1 घंटे बाद फ्रिज से निकाल लेंगे, और ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब 1 कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल मीडियम गरम हो जाएगा तो पीसेस डाल के फ्राई करेंगे। कलर आ जाएगा और हम सारे पीसेस निकाल लेंगे। चिकन के सारे पीस अच्छे से ब्राउन फ्राई कर लिए हैं हमने, और मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर तक कितनी अच्छी तरह से पक गए हैं, देख सकते हो। ग्रेवी बनाएंगे, उसके लिए हमें चाहिए 2 प्याज, 2 शिमला मिर्च, अदरक, ग्रीन चिली, और ये तीनों सॉस, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस और टमाटो सॉस। और इसके साथ हमें चाहिए चिकन मसाला और कॉर्नफ्लोर। जो हमने
हमने दो प्याज ली थी उन्हें दो तरह से कट करेंगे, इस तरह से चारों तरफ कट लगा देंगे। ये चारों तरफ से कट लगा के ये हमें लेयर निकालना है प्याज की, इस तरह से एक प्याज इस तरह से पूरी लेयर निकाल लेंगे। इस तरह से पूरी एक प्याज की लेयर निकाल लेंगे और दूसरी प्याज को इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में हम इसे बारीक बारीक काट लेंगे। शिमला मिर्च को भी इसी तरह से हम पतला पतला लंबा लंबा काट लेंगे। इसको भी इस तरह लंबा खड़ा काट लेंगे और अदरक को मैंने मिक्सी में पीस लिया है। बनाने के लिए सब्जियां तैयार हैं, अब इसका हम घोल बना लेते हैं। हम ग्रेवी का घोल बनाते हैं, उसके लिए मैंने 2 गिलास पानी लिया है। इसमें मैं डालूंगी कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच भर के, एक चम्मच अच्छे से भर के चिकन मसाला डाल दूंगी। एक चम्मच नमक कम डालिएगा क्योंकि हम सॉस डालेंगे अभी और सॉस में भी नमक होता है। अब हम टोमेटो सॉस डालेंगे। तीन चम्मच ये ढक्कन से भर के लिया है मैंने, 3 ढक्कन इसमें डाल देंगे। अब हम 2 ढक्कन सोया सॉस डालेंगे। और चिली सॉस आप ज्यादा तीखा खाना चाहते हो तो 2 ढक्कन डाल सकते हो, मैं यहाँ 1 ढक्कन डाल रही हूँ। अब इसे हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और याद रखिएगा कि ठंडे पानी में ही इसे घोलना है क्योंकि कॉर्नफ्लोर अगर गर्म पानी में आप डालोगे तो गुठलियां बन जाएंगी। ये देखिए बहुत अच्छे से मिल गया है। ग्रेवी के लिए घोल और सारी सब्जियां तैयार हैं, तो चलिए अब हम ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमें इस तरह की मोटी और बड़ी कढ़ाई लेना होगी। इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ 3 चम्मच और इसे अच्छा तेज गर्म होने देंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, अब इसमें मैं हम एक एक करके सारी सब्जियां डालेंगे। सबसे पहले मिर्च डालेंगे, फिर अदरक, फिर शिमला मिर्च और प्याज डालेंगे।
बड़ी कढ़ाई ली थी कि इसको अच्छी तरह से चला पाएंगे तो ये क्रिस्पी रहेंगी। इसे लगातार चलाते रहेंगे। सब्जियां 90% कुक हो गई हैं, अब इसमें हम ये सॉस वाला तैयार घोल डाल देंगे और इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इसे इसी तरह चलाते हुए पका लेंगे। ग्रेवी बहुत अच्छे से थिक हो गई है, अब इसमें हम चिकन के पीसेस डाल देंगे। ये पीसेस डाल के थोड़ी देर में पकाएंगे जिसमें ये सारी चीजें अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए। देख सकते हो कितना अच्छा हमारा चिकन दिख रहा है और खुशबू भी इससे बहुत अच्छी आ रही है। बस इसे थोड़ी देर पकाएंगे जिसमें ये आपस में मिक्स हो जाए। और देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा हमारा चिकन तैयार हो गया है खाने के लिए। और इसे मैं सर्व करके बताती हूँ कि ये कैसे दिख रहा है। बहुत टेस्टी ये लगता है और है ना बिल्कुल आसान इसे बनाना। अब थोड़ा सा धनिया डाल के इसे अच्छे से गार्निश करेंगे और ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और मैं जल्दी हाजिर होती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।